सर्वप्रथम तो सभी साथियों का और सभी देशवासियों का बहुत बहुत बधाई। और आज हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस जो हम यहाँ पे LICN के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी लोगों को इन 75 साल में जो देश ने उन्नति करी है उसकी बहुत बहुत बधाई। और आगे से हमारा जो कर्तव्य है उसको हम पूरा करेंगे। एज LICN हमारा भी समाज के साथ और सोसाइटी के साथ हमारे भी एक कर्तव्य है, उस कर्तव्यों का हम निर्वहन करते रहें, नई परिस्थितियों के साथ अपने को ढालें और आगे देश की सेवा और समाज की सेवा हम कर सकें। यहीं पे हमने अपना अपना वचन निभाया है और हम अपना आगे भी कमिटमेंट हमने देश के प्रति करा है। यही कार्यक्रम हमने आज स्वतंत्रता दिवस के साथ किया है। सर, हम लोगों को जो आदेशित किया गया था, जो शासनादेश था, उसके तहत केवल स्टाफ को ही बुलाना था और बच्चों को अभी नहीं बुलाना है। COVID-19 के दृष्टिगत महामारी चल रही है और जब तक सरकारी आदेश नहीं आ जाता तब तक हम बच्चों को तो अभी नहीं बुला सकते। हमने हमारा पूरा स्टाफ आया हुआ है, भोजन माताएं हैं, हमारे सारे शिक्षक, शिक्षा विभाग के जो भी हमारे यहाँ पे शिक्षक हैं कार्यरत, वो सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। और इस आशा और उम्मीद के साथ कि COVID-19 शीघ्र ही ख़त्म होगा और हमारे बच्चे फिर से यहाँ पे उपस्थित होंगे और फिर अगले वर्ष हम हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो भी वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिसके अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है, जिसके समीर का अतिथि बना यह आवारा जीवन है, तो चाहे दौलत ने तुमको हर सुविधाएं ला दी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। धन्यवाद सर।